तो कैसे हैं दोस्तों आप सब। मैं हूं आपका दोस्त विनय और स्वागत करता हूं इस वीडियो सीरीज़ में, जहां पे हम लोग बात कर रहे थे कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन पर। इस वीडियो में हम लोग डीएमए का पूरा कंसेप्ट जानेंगे। तो बिना देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। डीएमए क्या काम करता है, मैंने आपको बताया था पिछले कुछ वीडियो में, थोड़ा बहुत आपको आइडिया समझ में आया होगा। मोड ऑफ ट्रांसफ़र है, ये तीसरा वाला मोड ऑफ ट्रांसफ़र है। पहला वाला अपन प्रोग्राम्ड आयो देखे, उसके बाद हमने इंटरप्ट आयो देखा किस तरीके से मोड ऑफ ट्रांसफ़र होता है, और ये तीसरा वाला डिस्कशन करने वाले हैं डीएमए मोड। ठीक है, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। तो मैंने आपको बताया था अभी तक के जो भी मोड हम देख रहे थे वहां पे क्या होता था, अगर हम लोग का आईओ डिवाइस मेमोरी से बात करना चाहे तो उसको सीपीयू से इंटरेक्ट करना होता था, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं होगा। अब हमारा आईओ डायरेक्टली बात कर लेगा किससे, मेमोरी से, विदाउट सीपीयू इंटरवेंशन। आपको आइडिया समझ में आया, बहुत शानदार। यहां पे अपने को एक स्पेशल काइंड ऑफ हार्डवेयर लगेगा जिसको अपन क्या बोलते हैं, डीएमए कंट्रोलर बोलते हैं। किस तरीके से काम होता है ये आपको बहुत ही डिटेल में, बहुत ही शानदार तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, थोड़ा आप अपना कंसंट्रेशन बढ़ा लेना। देखिए किस तरीके से यहां पे काम होता होगा। देखिए ये मेरा आईओ डिवाइस है, ये मेरा मेमोरी है, ये मेरा सीपीयू है, ये मेरा डीएमए कंट्रोलर है। सबसे पहले क्या होता है, आईओ डिवाइस क्या बोलता है कि भैया मेरे को अब करना है डेटा ट्रांसफर। इसके मन में आया कि भैया अब मेरे को डेटा ट्रांसफर करना है, तो इस बार क्या होगा, ये इससे डायरेक्टली बात नहीं करने वाला, ठीक है, इससे नहीं बात करेगा, ये डीएमए को बोलेगा, डीएमए को रिक्वेस्ट करेगा। ये बोला डीएमए रिक्वेस्ट किया कि मेरे को भैया डेटा ट्रांसफर करना है, तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, डीएमए रिक्वेस्ट किया ये। अब उसके डीएमए भैया जो हैं, डीएमए कंट्रोलर जो हैं, वो दादा से, किससे, सीपीयू दादा से बात किए। जो डीएमए कंट्रोलर है ना, वो सीपीयू दादा से क्या मांगते हैं, थोड़ी देर के लिए भीख मांगते हैं ये सिस्टम बस का। तो थोड़ी देर के लिए यहाँ पे किस तरीके से भीख मांगा जाता है, तो देखिए होल्ड रिक्वेस्ट, ये बोलता है कि थोड़ी देर के लिए मेरे को होल्ड करने दो ना ये वाला सिस्टम बस। तो ये सीपीयू दादा जो है वो अगर उनको अच्छा लगा तो क्या बोलते हैं, चलो ठीक है बेटा, ये होल्ड एक्नॉलेजमेंट भेजते हैं। ठीक है, ये फोर्थ स्टेप है, ये तीसरा स्टेप नहीं है ना, ये होल्ड एक्नॉलेजमेंट भेजते होंगे। तो ये क्या है, ये भीख मांगा। अब उसके बाद क्योंकि कितना डेटा ट्रांसफर करना है ये डीएमए कंट्रोलर को नहीं पता, ये सीपीयू को पता होता है कि कितना डेटा का ट्रांसफर करना है इस आईओ डिवाइस को। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये डीएमए कंट्रोलर को बताता है कि भैया इतना डेटा वो ट्रांसफर करने वाला है आपका आईओ डिवाइस, तो तुम इसका इंफॉर्मेशन रख लो। तो इंफॉर्मेशन के टर्म्स में दो चीजें देता है, एक होता है स्टार्टिंग एड्रेस जहां से भी हम लोग का डेटा ट्रांसफर होने वाला है, और काउंट डेटा का, इसका मतलब कितने बाइट ऑफ डेटा, कितने वर्ड ऑफ डेटा का काउंट बताता है कि कितना बड़ा डेटा हम लोग का ट्रांसफर होने वाला है। तो क्यों इसको बताता है, क्योंकि जो डेटा ट्रांसफर है वो कौन कंट्रोल करेगा, डीएमए कंट्रोलर कंट्रोल करेगा। ठीक है, आपको आइडिया समझ में आया। तो सबसे पहले क्या होता है, डीएमए रिक्वेस्ट आती है, डीएमए रिक्वेस्ट यहां पर से किसको आती है, डीएमए कंट्रोलर को, क्या कि भैया आईओ डिवाइस को कुछ ना कुछ डेटा ट्रांसफर करना है, ये पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, ये इसे भीख मांगा, किसका, सिस्टम बस का भीख मांगा। उसके बाद सीपीयू इसको बताएगा इतना डेटा ट्रांसफर होने वाला है, ठीक है, स्टार्टिंग एड्रेस और डेटा काउंट बता देता है। उसके बाद फिर यहाँ पे होल्ड एक्नॉलेजमेंट भेजता है कि अच्छा ठीक है, थोड़ी देर के लिए तुमको भीख दे देता हूँ, सिस्टम बस दे देता हूँ, तब तक मैं अपना दूसरा काम कर लेता हूँ जहाँ पे मेरे को बस की जरूरत नहीं है। तो सीपीयू दादा जो है अपना काम करते रहते हैं, ठीक है, जहाँ पे बस की जरूरत नहीं है। तो ये जो डीएमए है ये डेटा बस को कंट्रोल में ले लेता है, और उसके बाद डेटा ट्रांसफर हो जाता है मेमोरी और आईओ के बीच में। मेरे हिसाब से आपको आइडिया समझ में आया होगा किस तरीके से काम होता है। तो ये फोर्थ स्टेप के बाद डायरेक्टली नहीं होता, ये सिक्स्थ स्टेप लिखा हुआ है, ठीक है। फिफ्थ स्टेप यहां पे एक और होता है, जैसे ही इसको होल्ड एक्नॉलेजमेंट मिला ये जल्दी से खुशखबरी पहुंचा देता है आईओ डिवाइस के पास कि भैया अपने को सिस्टम बस मिल गया है, सिस्टम बस। जैसे ही इसको पता चलता है कि हां अब मेरे को सिस्टम बस मिल गया है, अपने को, इसको नहीं मिलता है, इसको मिला है, डीएमए कंट्रोलर को सिस्टम बस मिल गया है, तो ये बोलता है चल बेटा अब तू अपना डेटा ट्रांसफर कर ले मेमोरी के साथ। तो ये अपना डेटा ट्रांसफर कर लेता है। तो आपको यहां पे सीक्वेंस ध्यान रखना है, सबसे पहले डीएमए का रिक्वेस्ट किया इससे, डीएमए कंट्रोलर से, डीएमए कंट्रोलर सीपीयू से रिक्वेस्ट किया, कैसे, होल्ड वहां पे भेजा, ठीक है, होल्ड रिक्वेस्ट भेजा, वो बोला कि थोड़ी देर के लिए सिस्टम बस दे दो सर। तो ये जैसे इसको अच्छा लगा तो उसके पहले वो बता देता है कि इतना स्टार्टिंग एड्रेस ये है जो भी डेटा ट्रांसफर करने वाला है ये डिवाइस, और डेटा काउंट इतना है। ये इसको जैसे ही पता चला ये यहां पर सीपीयू बोलता है चलो ठीक है, यहां पर एक्नॉलेजमेंट भेज देता है इस पर्टिकुलर होल्ड रिक्वेस्ट के लिए, और जैसे ही इसको एक्नॉलेजमेंट मिलता है ये इसको खुशखबरी दे देता है डीएमए एक्नॉलेजमेंट कि अपने को सिस्टम बस मिल गया है। जैसे ही इसको पता चलता है तो ये मेमोरी के साथ क्या करता है, डेटा ट्रांसफर करने लगता है। तो मेरे हिसाब से आपको पूरा आइडिया यहां पे मैं बता दिया, ठीक है। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं।
देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया स्टार्टिंग एड्रेस क्या है, तो वही चीज़ मेमोरी का एड्रेस जहाँ पर से हम लोगों का डेटा ट्रांसफर चालू होने वाला है, ठीक है, मेमोरी के अंदर में से, और उसका डेटा काउंट का मतलब कितने बाइट या फिर कितने वर्ड ऑफ डेटा अपना ट्रांसफर होगा। उसके बाद फिर इस तरीके से वहाँ पे काम होता है, इस तरीके का एक टेबल मेंटेन होता है, ये मेरा स्टार्टिंग एड्रेस है, ठीक है, और ये मेरा क्या है डेटा काउंट है। इनिशियली मान लो स्टार्टिंग एड्रेस मेरा 1000 है, उस समय डेटा काउंट कितना है 500 है, जैसे एक बाइट ऑफ डेटा ट्रांसफर हुआ हम लोग का जो मेमोरी में पहले अपन 1000 पे हैं, फिर अगली बार 1001 पे आएंगे, अगली बार 1002 पे आएंगे, तो डेटा काउंट हम लोग का लगातार डिक्रीज होगा और ये लगातार हम लोग का इंक्रीज होगा। मेमोरी में अपन आगे बढ़ते जाएंगे और डेटा काउंट हम लोग का लगातार क्या होगा डिक्रीज होता जाएगा, और डिक्रीज होते होते जैसे जीरो हुआ उस समय पता चल जाता है हाँ भैया अब रुक जाना है, अब डेटा ट्रांसफर हो चुका है पूरी तरीके से। ये आइडिया आपको समझ में आया होगा। और थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब आप खुद ही सोच के देखिए ये जो DMA रिक्वेस्ट किया है सिस्टम बस का, CPU ने उसको दिया है सिस्टम बस अपना थोड़ी देर के लिए, क्या ऐसा होगा क्या बहुत देर के लिए DMA जब तक कि उसका मन चाहे तब तक कि वो सिस्टम बस रखा रहे? नहीं भाई, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? एज अ यूज़र हम लोग बहुत परेशान हो जाएंगे, भैया सिस्टम बस अगर DMA के पास है तो हम जो भी ऑपरेशन करेंगे कुछ होगा ही नहीं, ठीक है। CPU के पास जब तक के सिस्टम बस नहीं आ जाता तब तक के भैया यूज़र परेशान होता होगा कि नहीं होगा? भाई बिल्कुल होगा। इसीलिए हम लोग जो सिस्टम बस है वो DMA को बहुत देर के लिए नहीं दे सकते हैं, कुछ कुछ देर के लिए दे सकते हैं, अलग अलग मोड से दे सकते हैं। तो इसी के ऊपर अपने को अब चर्चा करना है। ड्यूरिंग DMA ट्रांसफर CPU कैन परफॉर्म ओनली दोज ऑपरेशन जो कि जहां पे सिस्टम बस नहीं लगता है, ठीक है। इसका मतलब उस समय पे हम लोग का CPU क्या है ब्लॉक्ड है। व्हेन एवर कंट्रोल इज गिवन टू DMA कंट्रोलर देन डू नॉट गिव इट फॉर अ लॉन्गर टाइम। क्यों? क्योंकि भैया अगर बहुत देर तक के लिए दे देगा तो एज अ यूजर हम लोग बहुत परेशान हो जाएंगे, CPU तो ब्लॉक है कुछ होगा ही नहीं वहां पे, ठीक है। तो कितने टाइम तक के लिए दें अब ये सिस्टम बस को DMA कंट्रोलर को, तो वो कैसे पता चलेगा? वो पता चलेगा हम लोग को मोड ऑफ DMA ट्रांसफर से। आपको आइडिया समझ में आया, ठीक है। तो ये अपने पास तीन मोड ऑफ DMA ट्रांसफर हैं, एक है हम लोग का बस्ट मोड, एक है हम लोग का साइकिल स्टीलिंग और एक है हम लोग का इंटरलीविंग DMA। तो ये तीन मोड ऑफ DMA ट्रांसफर है, एक है बस्ट मोड, एक है साइकिल स्टीलिंग और एक है इंटरलीविंग DMA। इसके ऊपर बहुत ही डिटेल में अपन चर्चा करेंगे, इस वीडियो में नहीं करते, अगले वीडियो में इसके ऊपर डिटेल में डिस्कशन करेंगे, उसके बाद फिर कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे गेट एग्जाम के, अपना आइडिया पूरा क्लियर करेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही रखता हूँ, मिलता हूँ अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।